नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। कछुए और खरगोश की दौड़ तो याद है ना? उस दौड़ के बाद जानवरों के पूरे राज्य में सभी कछुए और खरगोश के बारे में चर्चा करने लगे। आलस के कारण खरगोश दौड़ हार गया, अपनी मंजिल की ओर लगातार चलकर कछुआ जीत गया। अपनी जीत पर कछुआ इतराया नहीं, अपनी हार पर खरगोश ने भी खुद को अपमानित महसूस नहीं किया, ना ही उसे कछुए के प्रति जलन हुई। कुछ दिनों बाद उस जंगल के राजा को पड़ोसी जंगल के राजा के साथ जरूरी काम पड़ा। उनकी बातचीत तुरंत होनी जरूरी थी, लेकिन बहुत सारे कार्यों में उलझे होने के कारण राजा के लिए पड़ोसी राज्य जाना संभव नहीं था। अतः राजा ने खरगोश और कछुए को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से किसी एक को पड़ोसी राज्य जाना पड़ेगा, मेरा संदेश सुने देकर उनका जवाब लेकर एक दिन के अंदर आना है। पड़ोसी राज्य पहुंचने का रास्ता कांटे और पत्थरों से भरा था, बीच में दो नदियां भी थी। कछुए और खरगोश दोनों के लिए रास्ता आसानी से तय करना मुश्किल था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन तड़के दोनों तैयार हो गए। राजा का संदेश लेकर दोनों साथ निकल पड़े। जंगल के रास्ते में खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से दौड़ा। रास्ते में जब नदी आई तब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई। फिर से खरगोश ने कछुए को पीठ पर बैठाकर दौड़ लगाई। दूसरी नदी आते ही कछुए ने अपना काम किया। इस तरह दोनों साथ मिलकर बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच गए। राजा से बातचीत करके वह वापस समय से पहले ही लौट आए। राजा ने दोनों की खूब प्रशंसा की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ओनली देन वी कैन विन विद हैंड इन हैंड एंड सर्वाइव द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन।